सो हे गाइस, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने ओरेबर्ग सिटी के जिम लीडर को हराया था एंड हमसे हारने के बाद वो काफ़ी नाखुश था, मतलब अनहैप्पी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऐसे ट्रेनर से हारा जिसके पास एक भी जिम बैज नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिम बैज कलेक्ट करें एंड उसे दिखाएँ कि हम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस समय हम रूट 205 पे फ्लोरमा टाउन, अभी टाउन को एक्सप्लोर करना भी बाकी है। फिलहाल हमें मिली हैं यहाँ पे बेरीज, तो हम उन बेरीज को कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने बेरीज अपने बैग में डाल दी हैं, तो हम चलते हैं आगे इस टाउन में एंड इधर उधर एक्सप्लोर करते हैं, लोगों से बात करते हैं क्या कुछ स्पेशल हमें मिलता है कि नहीं। यस, टीम गैलेक्टिक के बारे में बता रहा है ये, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर भी बेरीज हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। यह है ओरन बेरी, तो यस हमने ओरन बेरी ले ली है। तो अब यहाँ पर एक और बेरी है तो कलेक्ट करते हैं इसे भी। ये है चेरी बेरी, वाह क्या राइम है, चेरी बेरी, बस आई एंड वाई का फ़र्क है। इससे बात करके देखते हैं। ओके, तो इस शॉप में हम बेरीज वगैरह को एक्सचेंज कर सकते हैं। जल्दी से मैं यहाँ आता हूँ एंड देखते हैं इनसे बात करके कुछ। यस ओके, हमें चेस्टो बेरी इन्होंने दी है एंड ये क्या है। यस हम एक्सचेंज करेंगे, कुछ नहीं ये तो कुछ, ये सब चीज़ें मुझे बेकार ही लग रही हैं, हमारे पास कुछ है भी नहीं। तो चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे मैंने यस दबा दिया, चलो वापस आ जाते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। हमें स्प्रे डक मिला है, स्प्रे डक साइड डक सेम नाम है। तो बैग में जाके देखते हैं कि ये स्प्रे डक है क्या। तो ये रहा स्प्रे डक। ओके, यहाँ साइड डक जैसा कुछ है ये, तो बेरीज की ग्रोथ बढ़ाता है, कुछ खास तो है नहीं। वैसे भी बेरी वगैरह हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो ये बेरीज हैं, बैटरी में हम यूज़ करते हैं इनका। चलिए देखते हैं आगे एंड यहाँ ऊपर बहुत सारे फूल हैं, वसंत का मौसम आ गया है गाइस, मजाक कर रहा था। तो चलिए एटमॉस्फेयर इनसे बात करके देखते हैं क्या भाषण देंगे ये हनी के बारे में। ओके, एक घर है यहाँ, चलिए इनसे बात करते हैं, देखते हैं इस घर में क्या कुछ स्पेशल है। यस ओके, यस तो भाषण इन्होंने फिर से दिया है, मैंने यस कहा है एंड हमें मिला है TM88। देखते हैं TM88 के अंदर क्या है। वैसे मैं TMs का ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, एकदम नॉर्मल ही चीज़ है, बहुत कम से हम HM का ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखते हैं TM88 प्लग, पता नहीं क्या क्या TM मिल रहे हैं आजकल, हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फ्लोरमा टाउन में हम इस समय हैं, तो हमने यहाँ तकरीबन सब जगह एक्सप्लोर कर दी है। तो एक बार यहाँ पर टीम गैलेक्टिक के ग्रंट से बात करके देखते हैं। ये है नंबर वन। ओके, हम नंबर टू भी कुछ कहना चाहता है। यस, तो चलिए चलते हैं आगे, हमें इनसे फिर से बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से इन दोनों ने अपना भाषण शुरू कर दिया, इसका मतलब साफ है कि हमें यहाँ से नहीं जाना है, हमें थोड़ा आगे से जाना है। तो चलिए आगे से हम चल के देखते हैं रूट 205 पे, आपको बताता हूँ कि आगे क्या होगा। सबसे पहले हमें ये लड़की रोकेगी, तो ये हमें बताएगी कि हमें इसके फादर को सेव करना है। तो देखते हैं कि इन इसके फादर कहाँ होंगे। तो यस, इसने यही बताया था इसी वैली में। तो एक बार यहाँ ऊपर चल के देखते हैं। ओके नहीं, मतलब हमें इसी वैली में आ जाना है। ओके, यहाँ पर एक पॉकेबॉल है, इसके अंदर क्या है, एक पोशन, बैटल के वक्त काम आएगा, हमारी हेल्थ रिकवर हो जाएगी। तो चलिए इससे बात करते हैं, मतलब फाइट करते हैं। यस, ये टीम गैलेक्टिक का आदमी है। ओके, तो हम इससे बैटल करते हैं एंड हम इससे बैटल जीत चुके हैं, तो इसे हमने हरा दिया है। देखते हैं कि क्या ये हमें अंदर जाने देगा, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा था, तो हम नहीं जानते कि क्या ये हमें अंदर जाने देगा कि नहीं, ये अंदर चला गया। ओके ओके, ये डोर लॉक्ड है, वाओ, तो मतलब अब हमें इसकी चाबी ढूंढनी है ताकि हम इसके फादर को सेव कर पाएँ। अभी तक इसके फादर सेव नहीं कर पाए हैं, मतलब चलिए आप ऊपर देखते हैं चल के। अरे इन्होंने तो हमें रोक दिया है, मतलब हमें यहाँ भी नहीं जाना है। इसका मतलब साफ है कि हमें वापस जाना है फ्लोरमा टाउन में एंड वहीं हमें देखना है कि आगे क्या होगा। तो चलिए एक बार हम चलते हैं फ्लोरमा टाउन में, क्योंकि वहाँ पर टीम गैलेक्टिक के दो और ग्रंट थे, तो शायद क्या पता वो अब हटके हों एंड हमें उन्हें हराना हो। तो यस वही हुआ है, चलिए हम चलते हैं आगे। हमें फ्लोरमा मीडो में, यहाँ पर रहे टीम गैलेक्टिक के ग्रंट,
वैसे सीनो में इस बारे में टीम रॉकेट ज़्यादा देखने को नहीं मिली, मतलब गेम में। एनिमे में तो बहुत बार उसे दिखाया गया है। तो हमने पहले को हरा दिया है, अब बारी है दूसरे को हराने की। चलिए इसे भी हराते हैं। तो यस, हमने सेकंड को भी हरा दिया। बहुत ही इजी फाइट थी ये। एंड ये रहे उसके फादर, देखते हैं। तो ये इन्होंने हमें वर्क्स की दी है, शायद ये वही की है जो पीछे जो डोर लॉक था, हमें शायद इसी की मदद से खोलना है। यस 100% मैं श्योर हूँ कि हम इसी की मदद से वो डोर अनलॉक करना है। हमें एक हनी मिला है। ये हनी क्या काम करता है कि जैसे अगर हम इसे ट्री में रखेंगे, मतलब कोई पेड़ होगा, तो वहाँ पर रेयर पोकेमोन अट्रैक्ट होते हैं। तो चलिए इस पेड़ में हम थोड़ा हनी डाल के देखेंगे, पर पहले इधर उधर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ है, इनसे बात करके देखते हैं। ओके, हनी के बारे में ये हमें फिर से बता रहे हैं। इन्होंने हमें कुछ स्पेशल नहीं बताया। तो यहीं पर एक पेड़ है, शायद ऐसे ही पेड़ों पर हनी काम आता है। यस, हमने अपना हनी इस पर डाल दिया है। तो पता नहीं रेयर पोकेमोन कब तक आएगा। तो क्या पता अगर हम नेक्स्ट टाइम इस टाउन में आए तो हम यहाँ ज़रूर विजिट करें, क्योंकि रेयर पोकेमोन मिलेंगे। तो अब हम आ जाते हैं वापस। एंड अभी भी हमारी टीम में सिर्फ 4 ही पोकेमोन है, क्योंकि हमने सोचा नहीं कि अगले पोकेमोन हम किन को लें। तो हमें रूट 205 पे, एंड हमें देखते हैं अगर फिर से सेव वे कि नहीं, नहीं तो हमें वापस जाना है वैली विंड वर्क्स। ओके, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ये पंखे हैं। यस, वो चाबी यहीं की थी, तो हमने इसे खोल दिया है। देखते हैं इनसे बात करके। ओके, ये रहा एक टीम रॉकेट का, सॉरी टीम गैलेक्टिक का आदमी। तो ये वापस चला गया है। ये तो मुझे काफ़ी छोटी जगह लगती है। तो पहला पोकेमोन ट्रेनर है ये टीम गैलेक्टिक की ओर से। तो हमने इसे हरा दिया अपने मोन फनों की मदद से। तो चलते हैं आगे, एंड हम इसे स्किप करेंगे, नीचे से जाएंगे, और फिर ये है टीम रॉकेट की मेन। तो इसे हराना भी अभी बाकी है। तो यस, हम इसे भी हरा देते हैं। इसे हराने में भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हम हैं ही इतने स्ट्रांग। लेकिन हमारा मोन फनो पॉइजन हो चुका है, तो हमें जल्दी से पोकेमोन सेंटर में भी जाना होगा। तो शायद यही है उसके फादर। अब कुछ देर में वो लड़की यहाँ आएगी। देखिए, वो आ चुकी है। तो हमने इसके फादर को सेव कर दिया है। तो चलिए एक बार इससे फिर से बात करके देखते हैं। इसने हमें थैंक यू बोला है। कोई बात नहीं, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अच्छे कामों की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा काम करना तो हमारा फर्ज है। तो हम आ जाते हैं वापस, एंड हमें वैली विंड वर्क्स में, एंड मोनफोनो सर्वाइव बाय है पॉइजन से, लेकिन उसकी हेल्थ भी सिर्फ एक ही बची है। तो इसलिए हमारे लिए बेटर यही होगा कि हम चले जाएं पोकेमोन सेंटर में, एंड वहां से हम क्या करें कि अपने पोकेमोन को हील करा दें, एंड हमारा ऑनिक्स भी थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा। उसकी हेल्थ भी बहुत कम बची है इस समय। तो यस, हम आ चुके हैं पोकेमोन सेंटर से वापस। हमारे पोकेमोन भी हो चुके हैं फुल्ली हील। तो अब हम आ जाते हैं ऊपर, देखते हैं कि यहाँ से हमारी जर्नी में आगे क्या हुआ। एक पोकेमोन ट्रेनर है, स्किप कर पाएंगे हम? नहीं। तो यस, हमने इसे हरा दिया। चलते हैं आगे। यहाँ पर भी एक पेड़ है। इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि हनी से वो अट्रैक्ट होते हैं पोकेमोन। ओके, मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने अपना हनी यूज़ कर दिया था, तो हम यहाँ दोबारा हनी नहीं लगा सकते। हम आ जाते हैं ऊपर। ओके, हमें मिला एक बजल। तो हमने एक बजल को पकड़ लिया है। हमारी टीम में एक न्यू टीम मेंबर ऐड हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एस की टीम में भी ये पोकेमोन था, तो हम भी इसे अपने साथ लेंगे सिनो रीजन में। तो हमने एक और पोकेमोन ट्रेनर को हरा दिया। देखते हैं इस पोकेबॉल के अंदर क्या है। इसके अंदर एक एक्स अटैक, इंपॉर्टेंट अटैक है, काम आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन, एंड हमारे खिलाफ है एक रॉक टाइप पोकेमोन, तो उस समय हम अटैक नहीं कर पाते अगर हमारे पास सारे इलेक्ट्रिक टाइप अटैक हैं। तो ऐसे में एक्स अटैक, एक्स डिफेंड वगैरह काम आ सकते हैं। हमें एक रिपेल मिला है, तो ये भी अमेजिंग है। क्या ये भी एक पोकेमोन ट्रेनर है? तो इसे भी हमने हरा दिया। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं, हम यहाँ बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ आ जाते हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारे पोकेमोन को हील कराया जाएगा। तो यस, हमारे पोकेमोन्स की हेल्थ रिकवर हो चुकी है। तो आ जाते हैं हम वापस। हमारे पोकेमोन फुल्ली हील हो चुके हैं। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें पोकेमोन सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं।
हमें मिला है सुपर पोशन। सुपर पोशन हमने ले लिया है। यहाँ पर बेरीज भी हैं तो यस हम उन्हें ले लेते हैं। पहले एक पॉकेबॉल है, इस पॉकेबॉल के अंदर है पॉकेबॉल। ऐसा हमारे साथ इस बार बहुत बार हो चुका है, मतलब सिनो रीजन में हमारे साथ ये बहुत बार हुआ है कि पॉकेबॉल के अंदर पॉकेबॉल मिली हो। हमें फिर से बेरीज मिली है तो हम इन्हें ले लेते हैं। तो आगे चलते हैं हम, एक पोकेमोन ट्रेनर जिसे हमने फिर से हरा दिया। फिर से हम आगे चलते हैं, क्या ये भी पोकेमोन ट्रेनर है? अरे नहीं, कितनी फाइट करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हमें इस बार फाइट करनी पड़ रही है। फिर से हमने इसे हरा दिया तो हमारे पोकेमोन को हील की ज़रूरत है, तो हमें फिर से जाना होगा हील कराने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।